Hello friends, I am Srinivas. Welcome all of you on Channel Nation Academy. Today I am discussing direct and bending stress. What are direct stresses and what are bending stresses and what are their effects? When an eccentric load act upon a body, then the direct and bending stresses are induced. जब कोई eccentric load किसी भी body पे act करता है, तो क्या होता है? Bending stress and direct stress both induced करता है. ठीक है, कंसिडर ए कॉलम सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेसिव लोड पी. एक कॉलम कंसिडर करते हैं जिस पे एक कंप्रेसिव लोड पी एक्ट कर रहा है. एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ ई, व्हाट आर द इसेंट्रिसिटी? दैट इज ई एज शोन इन फिगर. ड्यू टू इसेंट्रिक लोड पी, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस विल डेवलप. इस इसेंट्रिक लोड पी के चलते दो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस विल डेवलप करेगा. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज बेंडिंग स्ट्रेस. Bending stress further of two stages. At first is at age AB. At age AB, AB age पे different होगा bending stress and age CD. इस CD age पे different होगा. Direct compressive stress जो कि numerically equal होगा P upon A. Directly P upon what is the area of this body, that is the direct compressive stress. But in bending stress, from the bending formula m upon I sigma by y upon e by r, we calculate at age AB sigma B, at sigma B bending stress is P into E into YC upon I, that is compressive. AB पे compressive होगा और CD पे क्या होगा? Tensile होगा. इसका numerical value CD पे क्या होगा? From its bending formula P into E into by T upon I. Okay. Now by C and by T, this by C and by T are distance of the extreme fiber on compressive and tensile sides, है ना, from neutral axis. I, what are I? Second moment of area of the section about the neutral axis, that is the y axis, which is dV cube upon 12. Okay, the maximum or resultant compressive stress at age AB, maximum or resultant compressive stress कितना होगा? Sigma C, that is PE YC upon I plus PYA. क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों ऐड कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा मैक्सिमम या तो रिजल्टेंट निकल जाएगा, दैट इज़ एम अपॉन जेड प्लस पी अपॉन एड, जो कि सिग्मा बी दैट इज़ बेंडिंग एंड सिग्मा ओ दैट इज़ द डायरेक्ट. ओके, एंड नाउ मैक्सिमम रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस. सिमिलरली टेंसाइल स्ट्रेस विल एल्सो पी ई वाई टी अपॉन आई माइनस पी अपॉन ए. यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा टेंसाइल के केस में, कॉम्प्रेसिव में यहाँ प्लस हो जाएगा. यहाँ भी सिग्मा बी दैट इज़ बेंडिंग और माइनस ए हो जाएगा आपका डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. कहता है कि वेन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड, देन द एवव इक्वेशन मे बी यूज बाई इंटरचेंजिंग द सब्सक्राइबर सी एंड टी. ओके, वेन सिग्मा नॉट ड्यू टेंसाइल स्ट्रेस इज ग्रेटर और इक्वल टू सिग्मा बी दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, देन कॉम्प्रेशन स्ट्रेस शैल बी पॉजिटिव ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन. एंड सेकेंड केस इज वेन सिग्मा बी इज ग्रेटर और इक्वल टू सिग्मा ओ दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस विल अकर इन द लेफ्ट हैंड पोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड द कॉम्प्रेशन ऑन द राइट हैंड पोर्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट.